हेलो दोस्तों, राम राम, राधे राधे। सुनने स्टडी पॉइंट में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें। ऐसी इंटरेस्टिंग ट्रिक पाने के लिए सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। दोस्तों, वीडियो पूरा ज़रूर देखें, जिससे आगे आने वाले जो राजस्थान के वनपाल, वन रक्षक, हाईकोर्ट, पटवारी, जिनमें भी राजस्थान के क्वेश्चन पूछेंगे, उन सभी में आपके लिए एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों, आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं जो नदियां रही है हमारी, सोम नदी के जो प्रवाह क्षेत्र हैं, माही नदी का प्रवाह क्षेत्र है और बाण गंगा के जो प्रवाह क्षेत्र हैं। हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए हम सोम नदी का, माही नदी का और बाण गंगा का आज कर लेंगे। और फिर उसके बाद जो नदियाँ रहेगी, जैसे खारी नदी हो गई, कोठारी और मेनाल, इन तीनों नदियों का फिर अगले वाले वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों, सोम नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है, उसकी सहायक मतलब उसके जो प्रवाह क्षेत्र है वो कहाँ कहाँ से होकर गुजरता है, कहाँ से निकलता है, उसकी ट्रिक है। तो देखो दोस्तों, सोम नदी का प्रवाह क्षेत्र, इसकी ट्रिक है सोम व उदय ऋषि, दो ऋषि हैं सोम व उदय। तो सोम व उदय ऋषि बाबा बीछा बाबा का नाम है, तो बाबा बीछा के डोंगर पे या बे मान लेना याद करने के लिए। सोम व उदय ऋषि बाबा बीछा के डोंगर पे। तो दोस्तों, सोम नदी ये निकलती कहाँ से हैं, उदय यानी उदयपुर के जो ऋषभदेव है, जहाँ ऋषभदेव है बाबलवाड़ा के जंगल में, कहाँ पे, उदयपुर में एक ऋषभदेव मंदिर है, चाहे जगह मान लो, यानी बाबलवाड़ा का जंगल है, उसमें ऋषभदेव का मंदिर भी है वहाँ पे। उस जगह को बोलते हैं बिच्छामेड़ा की पहाड़ियाँ। तो बिच्छामेड़ा ऋषि से हो जाएगा ऋषभदेव, बाबा से हो गया बाबलवाड़ा का जंगल में, बीछा से बिच्छामेड़ा की पहाड़ियाँ भी स्थित है वहाँ पे, वहाँ से फिर ये डूंगरपुर में चले जाती है, डूंगर से डूंगरपुर में, और फिर बे से बेणेश्वर में आके मिल जाती है सोम नदी। तो सोम से हो जाएगा सोम नदी, उदय से हो गया उदयपुर, फिर ऋषि से हो जाएगा ऋषभदेव के पास, बाबा से बाबलवाड़ा के जंगल में, बिच्छा से बिच्छामेड़ा की पहाड़ियाँ भी हैं, वहाँ से निकल कर डूंगर से डूंगरपुर हो जाएगा, और बे से हो जाएगा बेणेश्वर में जाके मिलती है। तो दोस्तों, ये तो है सोम नदी का प्रवाह क्षेत्र। अब इसमें कहीं भी पूछ ले कि सोम नदी का प्रवाह क्षेत्र या सोम नदी कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है, तो उसके बारे में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इस ट्रिक को याद कर लेना, जिससे आपको याद हो जाए कि सोम नदी कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है। तो दोस्तों, आगे नेक्स्ट है जो माही नदी है, उसका प्रवाह क्षेत्र कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है, उसके लिए हमने ट्रिक बनाई है कि माही धाम में क्या है, कि माही धाम में खा बांगड़ू, माही धाम में खा, कुछ भी खा लिया और बांगड़ू किसी का नाम है, कि माही धाम में खा बांगड़ू गुज्जर की खाड़ी में गिरा। तो माही धाम में खा बांगड़ू गुज्जर की खाड़ी में गिरा। तो माही से हो जाएगा दोस्तों माही नदी। ठीक है, धाम से हो जाएगा दोस्तों धार जिला, जो पड़ता है मध्य प्रदेश में, वहाँ से निकलती है। और इसमें मेहंद झील से धार जिला है, वहाँ पे मेहंद झील है, उससे निकलती है ये नदी, माही नदी, मध्य प्रदेश से। ठीक है, ये एंट्री करती है खासे हो जाएगा खादू, ये बांसवाड़ा में पड़ता है, वहाँ से राजस्थान में एंट्री करती है। फिर उसके बाद बांसवाड़ा हो जाएगा, डू से हो जाएगा दोस्तों डूंगरपुर हो जाएगा, डू से क्या हो जाएगा डूंगरपुर हो जाएगा। गुजर से हो जाएगा दोस्तों वापस गुजरात में निकल जाती है, गुजरात में। कैसे हो जाएगा दोस्तों, केम्बे की खाड़ी में जाके गिरती है, केम्बे की खाड़ी। या फिर खैसे हो जाएगा दोस्तों, खासे हो जाएगा खम्बात की गाड़ी। तो याद रखना, कैसे तो हो गया
केम्बे की खाड़ी भी पड़ती है वहाँ पे, और खास से हो जाती है खम्बात की खाड़ी। तो दोनों में से कोई भी आ जाए तो उत्तर केम्बे की खाड़ी या खम्बात की खाड़ी, तो दोनों याद रखना है। तो गुजरात से निकल कर केम्बे की खाड़ी में जाती है और केम्बे की खाड़ी से खम्बात की खाड़ी में गिरती है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों इसमें कि माही धाम में खाकर बांगड़ू गुजर की खाड़ी में गिरा, गुजर की खाड़ी में गिरा दोस्तों। तो ये हो गया माही नदी का प्रवाह क्षेत्र। अब नेक्स्ट है हमारी बाण गंगा का प्रवाह क्षेत्र। बहुत इजी है, बहुत शॉर्ट है कि बाण बे जय ने दो भरत फतेह की। तो बाण बे यानी बाण की सहायता से, बाण बे जय ने दो भरत फतेह की। भरत कुछ भी रख लो यार, भारत फतेह की ऐसे एक समझ लो। बाण बे जय ने भारत फतेह की ऐसे मान लो, भारत भी बोल सकते हैं, भरत भी बोल लो, भारत सही रहेगा। देख लेना अपने हिसाब से जो आपको सही सटीक लगे। तो बाण से तो हो जाएगा बाण गंगा, बाण से हो गया बाण गंगा। बे से हो जाएगा, ये निकलती कहाँ से, बेराट की पहाड़ी से। और बेराट की पहाड़ी कहाँ पे है, बेराट की पहाड़ी पड़ती है विराट नगर जयपुर में, ठीक है। तो बे से हो जाएगा बेराट की पहाड़ी। जय से हो जाएगा दोस्तों, ये जयपुर में है तो जयपुर हो जाएगा। दो से हो जाएगा, जयपुर से निकल कर कहाँ जाती है, ये दौसा में जाती है। फिर भरत से हो जाएगा भरतपुर, बस भरत से भरतपुर हो जाएगा। और फतेह की, फतेह से हो जाएगा फतेह, बाद में जाकर यमुना में मिल जाती है। तो बाण बे जय ने दो भरत या दो भारत फतेह किए, ठीक है। तो ये हो जाएगी, बहुत आसान सी ट्रिक है दोस्तों। नेक्स्ट मिलते हैं हम लोग जो हमारी नदियाँ बची है, जैसे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट वाली खारी नदी है उसकी प्रवाह क्षेत्र कई बार पूछ लेते हैं, कोठारी नदी का प्रवाह क्षेत्र पूछ लेते हैं, उसमें बांध पूछ लेते हैं कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है, मेनाल नदी कौन कहाँ कहाँ से गुजरती है। तो दोस्तों ये सभी हम अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों पहले वाले वीडियो ज़रूर देख लेना, जिससे आपको नदियों को याद करने में बहुत आसानी हो जाएगी, बहुत काम की वीडियो है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी दोस्तों का।